परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हुई वही है, जो STET की परीक्षा है या जो BPSC से शिक्षक के बाहर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये हैं सुशील कुमार जी, पुलिस अधीक्षक, और आज मैं इनकी पूरी वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को देखने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि ये इन्होंने जो है BPSC की के थ्रू जो टीचर्स की भर्ती हो रही है, TRE BPSC TRE जिसे कहा गया है, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दो और हम आपको एक सीट जो है डेफिनेटली आपको टीचर की मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे देकर सीट को खरीदना, जिसे दलाल जो लोग हैं वो ये काम करते हैं, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। इनकी पूरी वीडियो में आप सुनिएगा। तो इन्होंने कहा है कि इन चीज़ों से बिल्कुल बचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी पारदर्शी जो है वो यहाँ पर परीक्षा हुई है और जो लोग वास्तव में काबिल हैं उन्हीं को ये जो है यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है टीचर की। और इसके साथ ही इन्होंने STET के बारे में भी कहा है कि वहाँ भी वही बच्चे पास होंगे जिन्होंने परीक्षा अच्छे से दी है। किसी को भी मतलब आपराधिक प्रकृति के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पैसे देकर हम तुम्हें सीट दिलवा देंगे, इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं इनसे बचना है। अब इस पूरी वीडियो को आप देखिए दोस्तों, और इस वीडियो में आपको खुद समझ में आएगा कि ये इतने बड़े पद पर हैं, अगर किसी बात को वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी जो BPSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ लेकिन इससे लिंक अप है, इसलिए उस ट्वीट को भी मुझे यहाँ बताना है। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं। वही है जो STET की परीक्षा है या जो BPSC से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आएं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही है। तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आएं। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप तो दोस्तों आपने ये देखिए पूरी वीडियो को यहाँ पे सुना और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है कोई तत्व इस तरह की बातें करते हुए, तो उनके खिलाफ उचित फोरम में कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि जो भी यहाँ पर भर्ती हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है और सही हो रही है। अब यहाँ पर हम BPSC के चेयरमैन का एक बार ट्वीट देख लेते हैं, इससे लिंकअप कैसे हो रहा है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले ट्वीट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अतुल प्रसाद जी का आपको ट्वीट दिख रहा है जो 18 घंटा पहले का है। मैंने आपसे कहा था कि कल ही उन्होंने इसे अपलोड किया है। अब मैं इसको आप इस ट्वीट को बताती हूँ और जो वीडियो अभी पुलिस अधीक्षक दिखी की थी वो दोनों आपस में कैसे लिंकअप हैं। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि पूरा आपने इस ट्वीट को पढ़ा कि पेइंग ब्रोकर्स फॉर अ टीचर पोस्ट इन TRE इज़ लाइक बाइंग लैंड इन द ऑन द मून। इसमें क्या है कि जो इसमें ब्रोकर्स मतलब है दलालों को पैसा देकर TRE में एक पोस्ट ले लेना, ऐसा है कि जैसे आप चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल बात होती है। और यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने कहा है कि आप ये सोचें कि दलालों के जरिए आप एक सीट अपने लिए ले लेंगे, आप पैसा देके सोच रहे हैं कि आपको एक सीट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल यही बात पुलिस अधीक्षक जी ने कही है। देखो यहाँ पर उन्होंने सब कहा कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप शिकायत कीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष है, ऐसी कोई इस जो जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कोई भी धांधली नहीं हुई है। तो पूरा यहाँ पर इसीलिए ये ट्वीट किया गया है और इसीलिए आज वो वीडियो आई है। तो आप खुद समझ आइए, अगर बिहार TRE के संबंध में कोई भी गलत बात भ्रामक वाक फैला रहा है तो उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आपने जो तैयारी की है उस पर विश्वास रखिए कि आपने तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है और आप ज़रूर ही जो इनकी मेरिट बनेगी उस मेरिट में आएंगे और टॉप रैंक पर आएंगे, अच्छे नंबर हैं आपके। इस तरह से बहुत से बच्चे फिर परेशान होते हैं, अच्छा पेपर देने के बाद भी उनके दिमाग में चलता है कि अब इसमें कहाँ हमारी भर्ती हो जाएगी, सब दलालों के द्वारा सारी सीटें भर जाएंगी, पैसा देके सब भर जाएंगे, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं।
तो इस तरह की बातें अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी, उन्हीं के लिए जो है देखना आप रैंक में आएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप शिकायत कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपके लिए इस तरह की वीडियो जो है अपलोड की गई है ये समझाने के लिए कि मन में गलत बातें ना रखें, अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। और डेफिनेटली दोनों ये इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ट्वीट है और वो वीडियो जो है वो दोनों लिंकअप हैं, और दोनों जो हैं पूरा डिपार्टमेंट के थ्रू ये बात है कि ये बातें जो हैं यहाँ तक पहुँची हैं। जब यहाँ तक पहुँची हैं तभी ये सब यहाँ पर जो है उन्होंने लो पब्लिक में पहुँचाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर भर्ती यहाँ पर होने वाली हैं। तो ये जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की हुई हैं, जो STET की परीक्षा है या जो BPSC से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही हैं। तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आएँ, और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें जरूर कंप्लेन करें और ऐसे विरुद्ध तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें।